यहाँ पर ठाकुरद्वार में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहाँ तक मैं समझता हूँ सालाना होता है। हमारे सामने ये स्थल नॉन फेरस मेटल मर्चेंट एसोसिएशन लिमिटेड हॉल में आयोजित हुआ। रसिक साहब, आज का क्या विशेष कार्यक्रम था और क्या निर्णय हुए और किस तरह से गौशाला को आगे बढ़ाने की बात हुई? विशेष में ये है कि ये जो आज मीटिंग बुलाई गई थी वो जनरल मीटिंग थी, जाहिर सभा। जाहिर सभा का मतलब है कि इसमें जिसने डोनेशन दिए हैं और जिसने डोनेशन नहीं दिए, और जो जीवदया प्रेमी हैं और वो खास करके मंडार और अबू गोट के लोग जो हैं जैन समाज के, वो कोई भी इसमें आमंत्रित था तो वो लोग आए थे। और इसका मेन उद्देश्य था कि आज तक इस गौशाला में कितनी इनकम हुई और वो इनकम कहाँ कहाँ खर्च हुई, और हमारे पास क्या कितना फिक्स डिपॉजिट में है और हम क्या आगे करने वाले हैं और कितना इसका व्यवहार कैसे चल रहा है और इसकी परिस्थिति कैसी है और कैसी सुंदर व्यवस्था और सेवाएं दे रहे हैं, उसके बारे में लोगों को जानकारी देना था। सर, गौशाला दिन प्रतिदिन उन्नति की तरफ और एक नए प्रारूप की तरफ गो सेवा करते हुए, तो आगे के लिए क्या प्रकल्प? जो ऐसा है कि ये गौशाला वैसे 45 साल हो गए इसको स्थापित हुए। इस गौशाला को रेवदर के निवासी संत थे देवीचंद जी जैन, तो उन्होंने, ये जीवदया प्रेमी थे और इन्होंने एक भाड़ा करके और उसमें 20-25 गायों से इसकी शुरुआत की थी 45 साल पहले। ये सिरोही जिले की सबसे प्राचीन गौशाला है और भगवान महावीर ने यहाँ से विचरण किया है। मूंगथला से भगवान महावीर नादिया जब जा रहे थे तो ये रास्ता बीच में पड़ता, तो ये भूमि भी भगवान महावीर के चरण रस से पवित्र हुई भूमि है। दूसरा, इस गौशाला से 21 गाय देकर पावापुरी गौशाला, जो जैन समाज की सबसे पूरे हिंदुस्तान में प्रख्यात गौशाला है, उसकी शुरुआत इस गौशाला लोनल गौशाला की 21 गायों से उसके शुभारंभ किया गया है। ये इसके लिए मेन विशेषता का वर्ण है। तीसरा, ये हाईवे पे है। और चौथा, ये एरिया जो पूरा है वो धर्म ध्यान का एरिया है, सिरोही जिला और जालौर जिला, तो उसमें ये स्थित है। अबू माउंट अबू की तलेटी में है, वो एकदम प्राकृतिक वातावरण और निसर्ग का वातावरण है, उधर ये स्थित है। तो इसके अंदर में हमने गोदाम होते हैं, ऑफिस होती है, देवासियों के ठहरने का मकान होता है, पशुओं के विभाग होते हैं, बर्ड होते हैं, इसमें शेड बने हुए हैं, सारे सुविधाएं, पानी बहुत शुद्ध है और पूरा पानी है, घास भी हरा घास बोया जाता है, तो सारे प्रावधान और उसको और अभी सुंदर हम बना रहे हैं। राजस्थान और देश प्रदेश में, पूरे देश भर में पहले राजस्थानियों को और गो भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? गो भक्तों को ऐसा है कि गाय को अगर बचाना है, क्योंकि गाय हमारा मूलभूत आधार है, संस्कृति का और आर्थिक आधार भी है। गाय के बिना सृष्टि की कल्पना ही नहीं की जा सकती, ये अद्वितीय प्राणी है, इसके जैसा प्राणी कोई और हुआ ही नहीं है। तो उसको अगर बचाना है तो तुम गौशालाओं, अब वो गौशालाओं में ही बच सकते हैं, क्योंकि अब किसी की ताकत नहीं है जो अपने घर पे रखते हैं, और खेत वाले भी जो बूढ़े हो जाते हैं या जो बिन दुधारू हो जाते हैं, बिन जो जिनके प्रेग्नेंट नहीं होते, वो पशुओं को वो गौशाला में ही देते हैं, नहीं तो वो छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी ताकत नहीं है कि वो संभाल सकें। तो गौशाला ही उनको बचा सकती है। अगर आप इन गायों को बचाना चाहते हैं तो गाय को सबसे पहला दान देना श्रेष्ठ है, पर आप सबसे पहला दान आप गौशाला में दो, जो भी गौशाला आपके वतन की है, और दूसरी जहाँ कर्मभूमि है वहाँ की गौशालाओं को बचाओ, तो ही गाय बचेगी, और गाय बचेगी तो तुम्हारी संस्कृति बचेगी और तुम्हारी परंपरा बचेगी, नहीं तो नहीं बचेगी। राजस्थान में भाजपा की सरकार आ गई, आप क्या अपेक्षा रखते हैं तमाम गौशालाओं के लिए? हमारी एक ही अपेक्षा, हमने अपील की भी थी कि गौशालाएं राजस्थान में 3200 गौशालाएं हैं, उसमें 1200 गौशालाएं गोचर की भूमि पर ही हैं, तो गोचर की भूमि वैसे तो गाय के लिए ही होती है, लेकिन वो अनऑथराइज है क्योंकि अभी तक तो उनके नाम का पट्टा नहीं दिया है। तो जो गौशालाएं जहाँ स्थित हैं उनके नाम का लीज आप दे दीजिए 30 साल का उन गौशालाओं को, और 10-10 साल में उसका सर्वे करिए, अगर वो गौशाला नियमित नहीं है तो आप वापस ले लो, नहीं तो उन गौशालाओं को वापस पनपने दो ताकि गाय बचे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रसिक भाई कोठारी, जो सदैव हर क्षेत्र में और विशेष गौशाला के क्षेत्र में, अगर कह दूं मैं चाला का अगर इतना प्रकल्प जब बदला है तो ये रसिक भाई कोठारी की वजह से, जो कि आत्मीयता से इस कार्य में लगे हुए हैं। ओवर टू स्टूडियो।